मणिपुर सीएम मिजोरम में कुकी समर्थक रैली से नाराज, बोले हमारे अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। प्रदर्शन में मिजोरम सीएम जोरम थांगा ने हिस्सा लिया था। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में कुकी समुदाय के समर्थन में निकाली गई रैली पर नाराजगी जताई है। इसमें मिजोरम के सीएम जोरम थांगा ने भी हिस्सा लिया था। बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि जोरम थांगा को दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सीएम सिंह ने कहा यह राज्य सरकार की ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ाई है, मणिपुर सरकार राज्य में रहने वाले कुकी समुदाय के खिलाफ नहीं है। दावा है कि आइजोल की रैली में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। बीरेन्द्र सिंह ने बताया राज्य सरकार मणिपुर में होने वाली सभी घटनाओं पर नजर रख रही है जो मणिपुर की अखंडता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 26 जुलाई को म्यांमार बॉर्डर के करीब मोरे गांव के घरों में आगजनी और फायरिंग हुई। मोरे गांव म्यांमार बॉर्डर से लगा हुआ है। इसमें गांव में कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। हालांकि कुकी लोगों की संख्या ज्यादा है। मणिपुर की हिंसा के बाद पूर्वोत्तर के न्याय राज्य भी जातीय हिंसा की चपेट में आ गए हैं। अब असम और मणिपुर के छात्र संघ ने मिजोर लोगों को असम की बराक घाटी छोड़ने की नसीहत दी है। इससे दो दिन पहले मिजो संगठनों ने मैतेइयों को मिजोरम छोड़ने का अल्टीमेटम जारी किया था। डर के कारण अब तक मैतेई समुदाय के 568 लोग मिजोरम छोड़कर इम्फाल आ गए हैं। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट और प्रशासन से जुड़े लोग हैं।